आजादी के 75वीं वर्ष को देश आजादी का अमृत महोत्सव के नाम से मना रहा है। इस 75वें वर्ष में देश भर में वर्ष भर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। केंद्र सरकार ने देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण रखने 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान मनाने का ऐलान किया है। इसके जरिए सरकार का लक्ष्य है कि कम से कम 20 करोड़ परिवार इस दौरान अपने घर पर तिरंगा लहराकर देश के लिए सर्वस्व कुर्बान करने वाले वीर सपूतों के प्रति अपनी निष्ठा और देश के प्रति एकजुटता को प्रकट करे। इसी तारतम्य में कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा निकालने का लक्ष्य रखा है। हर जिले में 75 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज कोठीघर से राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय तक यात्रा निकालकर इस अभियान की शुरुआत की गई। ये तिरंगे झंडे को पूरे देश में घर घर में लगाने का एक अभियान है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने भी उसमें साथ में तिरंगा लगाने का आह्वान किया है और हम लोग को निर्देशित किया है। वैसे तिरंगा हमारे जान में है, हमारे खून में है। पहली बार तिरंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से फहराया था और तिरंगा का एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के तहत लगाया जाता है। 2003 में ये प्रोटोकॉल चेंज हुआ था, जिसमें सब लोग स्वाधीनता दिवस और राष्ट्रीय पर्व में तिरंगा लगाए, अपने घर में लगाए, लेकिन उसके प्रोटोकॉल के तहत लगाएं। अब क्या चेंज हुआ उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन तिरंगा बहुत अभिमान की चीज़ है, बहुत सम्मान की चीज़ है, इसे बड़े ही सम्मानजनक ढंग से लगाया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हम लोग का ये निर्णय है कि उनसे पूछ के उनको इसके प्रोटोकॉल के बारे में बतला के समझा के ही लगवाएंगे, ताकि इसके सम्मान इसका सम्मान बना रहे। जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत आज की गई है। इस अभियान का शुभारंभ जिला पंचायत उपाध्यक्ष आदित्येश्वर शरण सिंहदेव के निज निवास कोठी घर से किया गया। इस दौरान आदित्येश्वर शरण सिंहदेव ने अपने निवास पर तिरंगा लगाकर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। आज यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा हर घर तिरंगा की पहल, जो कि केंद्र सरकार ने भी इस पे पहल किया है, राज्य सरकार ने भी, हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में बात हुई थी, श्री टी एस सिंहदेव जी ने भी इस बारे में हम लोग से सब बात की थी, और उसी की शुरुआत करते हुए 15 अगस्त करीब है और उसी की शुरुआत में आज यहाँ पे घर पे तिरंगा हम लोग ने लगाया है और उम्मीद करेंगे कि सब कांग्रेस जन अपने घर में भी और शहर में भी अलग अलग जगह जहाँ जहाँ लोगों को जागरूक करें, उन लोगों को तिरंगा उपलब्ध कराएं और हर घर में तिरंगा लग सके। इस दौरान कांग्रेस जनों ने जिले वासियों से अपने अपने घरों में तिरंगा लगाने की अपील की, साथ ही लोगों को निशुल्क तिरंगे का वितरण किया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से अपने अपने घरों में तिरंगा झंडा लगाने की अपील पूर्व में ही की है। पूर्व से घोषित कार्यक्रम 9 से 14 है तिरंगा यात्रा का, और आज कांग्रेस जन अपने घरों से शुरुआत करेंगे तिरंगा ससम्मान अपने घरों में अपने प्रतिष्ठानों में लगाने का। हमारे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष आदरणीय आदित्येश्वर शरण सिंहदेव जी के पहल पे आज यह शुरुआत सरगुजा जिले में हुई है। चूँकि ये तिरंगा है और तिरंगा के जो प्रोटोकॉल हैं उसका पूरा पालन हो, इसलिए पहले कांग्रेस जन अपने घर में लगा रहे हैं और उसके बाद में प्रोटोकॉल की पूरी जानकारी देखते हुए बताते हुए और झंडे का मान रखते हुए इसको सरगुजा जिले में अधिक से अधिक संख्या में हम लोग लगाएंगे। और 75 किलोमीटर की पदयात्रा में हर घर में हर गांव में जो हमारी यात्रा है वहां पर तिरंगा झंडा हम लोग ससम्मान लगाते हुए बांटते हुए और ग्रामीणों के साथ भी शहरियों के साथ भी मिलते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे। यात्रा की रूपरेखा किलोमीटर सरगुजा में तीनों विधानसभा मिला करके चलेंगे। अंबिकापुर विधानसभा में उदयपुर से शुरू कर रहे हैं, लुंड्रा विधानसभा में धौरपुर ब्लॉक से शुरू कर रहे हैं और सीतापुर विधानसभा में सीतापुर ब्लॉक से यह यात्रा हम लोग शुरू कर रहे हैं।